अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, ज़रूर ट्राई किएगा। इसको बनाने के लिए मैंने जो है ना सबसे पहले आलू ले लिए हैं, जो कि इस तरीके से जो है वो चॉप कर लिए हैं क्यूब्स क्यूब्स। और हमने अनियंस ले ली हैं, ये भी हमने चॉप कर ली। ये हमारे पास लहसुन है, ये भी हमने चॉप कर लिए, तकरीबन एक टेबल स्पून भर के है। ग्रीन चिली हमने एक अदद लेके उसको बारीक बारीक कट कर लिया। टोमेटोज भी हमने चॉप कर लिए। हमने सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी हमारे पास हाफ टी स्पून है। हमारे पास है आमचूर पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह आप लेमन का रस भी डाल सकते हैं। रेड चिली है और चिली फ्लेक्स है, ये सब हमने आधा आधा टी स्पून लिया है। और मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, तो आप तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने सरसों का तेल जो है गर्म कर लिया था, फिर उसके अंदर मैंने 1 पिंच हमने सफ़ेद ज़ीरा बिल्कुल इसके अंदर ऐड किया, जो कि ऑप्शनल है। उसके अंदर हम अनियन ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको हम भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। और इसमें तकरीबन लगते हैं 10 मिनट, तो इसलिए टाइम को मैंने कम करने के लिए इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, ताकि मैं प्याज जो है वो जल्दी से कुक हो जाए। अब देखें हमारी प्याज तकरीबन जो है भून चुकी है, इतना ही मुझे कलर इसके ऊपर चाहिए था। अब हम इसके अंदर अपने पोटैटोज़ ऐड करेंगे और सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर ढक के मैं छोड़ दूंगी इसको 10 से 15 मिनट, ताकि हमारे आलू जो है ना तकरीबन 80% के करीब कुक हो जाए। अब देखें आलू को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और हमने इसको फॉक से चेक कर लिया, ये तकरीबन 80% कुक हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं चॉप टोमेटोज ऐड कर लूँगी, और जो चॉप टोमेटोज ऐड करने के बाद में हम चॉप गार्लिक भी ऐड कर लेंगे, जो कि हमने कट करके रखा था 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसके अंदर हमने गार्लिक ऐड कर लिया, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखें हमारे जो है ना आलू बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। और इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, और हमारी सब्जी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको सर्व कीजिए पराठे के साथ नाश्ते में, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज और टिकटॉक पेज को भी लाजमी फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपीज लेकर आती रहूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। चलें अपने चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।